आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने गेहूं से लेकर सरसों तक की कई फसलों की MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ावे को ऐलान करे है। केंद्र की सरकार ने रबी सीजन की फसलों के MSP में इजाफा करे ही में गेहूं की फसल पे प्रति क्विंटल 150 रुपया और सरसों की फसल पे प्रति क्विंटल 300 रुपया बढ़ा हुआ है। इसके संगे जौ की फसल पे 130 रुपया की वृद्धि करी गई है। चना की फसल पे 210 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करी गई है। मसूर पे 275 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा हुआ है, जबकि सूरजमुखी पे 140 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा हुआ है। और ये वृद्धि पे देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बोले हैं, आप भी सुनो। आज किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति ने रबी की फसल, जो 6 मुख्य फसल होती है, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की आज घोषणा की है। और अब रबी की फसल के जो दाम हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य के गेहूं के, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, उनके प्रति क्विंटल जो नई दरें हैं, गेहूं 2025-26 के लिए 2425 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। जौ की MSP बढ़कर 1980 रुपये होगी। चना 5650 रुपया क्विंटल, मसूर 6700 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 5950 रुपया प्रति क्विंटल, कुसुम 5940 रुपया प्रति क्विंटल। पिछले साल से जो वास्तविक वृद्धि हुई है MSP में, गेहूं की MSP में वृद्धि 150 रुपया प्रति क्विंटल की हुई है, जौ में 130 रुपया प्रति क्विंटल, चना 210 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 275 रुपया प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों 300 रुपया प्रति क्विंटल और कुसुम 140 रुपया प्रति क्विंटल। ये MSP बढ़ी है और लागत पर जो लाभ दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने तय किया था कि वास्तविक लागत पर कम से कम 50% मुनाफा देकर, लाभ देकर किसानों की फसल को खरीदेंगे। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।